उम्मीद है अभी तक आप मीडिया लाइब्रेरी से तंग नहीं आए, बिकॉज देयर इज मोर टू लर्न अबाउट द मीडिया लाइब्रेरी. मीडिया लाइब्रेरी इज अ सेंट्रल रिपॉजिटरी. मीडिया लाइब्रेरी में काफ़ी ऐसी फीचर्स हैं छोटी छोटी, जो अगर आप ज़रा ज़्यादा डीपली एक्सप्लोर करेंगे, यू विल बी एबल टू लर्न मोर. वर्डप्रेस आम हालात में काफ़ी ऐसी फीचर्स हैं जो कुछ पावर यूज़र्स यूज़ करते हैं, कुछ पावर यूज़र्स यूज़ नहीं करते. आपने देखना है कि आपके लिए कौन सी फ़ीचर सही है, कौन सी फ़ीचर आप रेगुलरली रोज़मर्रा में ज़्यादा यूज़ करेंगे, कौन सी फ़ीचर कम यूज़ करेंगे. But while you're learning, it is important to know a little bit about all these features. So अब आ जाते हैं हम editing file पे. File को edit करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी आप WordPress पे file upload करते हैं, certain properties and certain information is stored with respect to that file. This data is called as metadata. और metadata को आप edit भी कर सकते हैं, और एडिट करने के बाद आप इस मेटाडेटा से ज़्यादा एनहेंसमेंट्स भी कर सकते हैं अपनी फाइल्स में, अपनी सर्च कैपेबिलिटीज़ में, विच वील बी टीचिंग यू. बट व्हाट एग्जैक्टली कैन यू डू विद अ फाइल? यू कैन सिंपली एडिट इट. आप एडिट कैसे कर सकते हैं? आप ग्रिड व्यू में होंगे तो आप अपनी फाइल पर जाएंगे और आप उसे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली एक पॉपअप खुल जाएगा. वहाँ पर आप उसकी फीचर्स को एडिट कर सकते हैं, उसका टाइटल एडिट कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हैं, उसका ऑल्ट टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, उसका कैप्शन भी एडिट कर सकते हैं. लिस्ट व्यू में द स्क्रीन चेंजेस अ लिटिल बिट, बिकॉज आपकी फाइल एक नए विंडो पे खुलेगी और वहाँ से आप इसकी फीचर्स को एडिट कर सकते हैं. दीज फीचर्स आर सच एज द टाइटल दैट यूजर्स विल बी एबल टू यूज़ टू रिकॉग्नाइज योर इमेज, या उसका कैप्शन, या उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट. तो ये कुछ फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं. क्वेश्चन आपके जेहन में शायद आए कि कैन आई इन्हेंस द मीडिया लाइब्रेरी? आप मीडिया लाइब्रेरी को डेफिनेटली इन्हेंस कर सकते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ प्लगइन्स अवेलेबल आउट देयर विच कैन हेल्प यू इन्हेंस द फीचर्स ऑफ द मीडिया लाइब्रेरी. मीडिया लाइब्रेरी में आप नई नई फीचर्स ऐड कर सकते हैं टू मेक इट मोर ईजी फॉर यू टू यूज, टू मेक इट मोर पावरफुल. पावरफुल यूज़र्स और पावर यूज़र्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो मीडिया लाइब्रेरी को एक एडवांस तरीके से यूज़ करें, विच इज़ नोन एज द इन्हेंस्ड मीडिया लाइब्रेरी. एक और क्वेश्चन आपके जेहन में आएगा, कैन आई ऐड फोल्डर्स टू द मीडिया लाइब्रेरी? बाई डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस डज नॉट अलाउ यू टू ऐड फोल्डर्स, लेकिन अगर आप फोल्डर्स ऐड यूज़ करना चाह रहे हैं तो फोल्डर्स आप ऐड कर सकते हैं यूजिंग अ प्लगइन कॉल्ड वर्डप्रेस मीडिया लाइब्रेरी फोल्डर्स. ये प्लगइन आपको अलाउ करेगा कि आप नए फोल्डर्स अपनी मीडिया लाइब्रेरी में डाल सकते हैं और उन फोल्डर्स की मदद से आप अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. सो अब हम मीडिया लाइब्रेरी में सबसे पहले एक इमेज को एडिट करने का तरीका सीखेंगे. वील गो टू आवर वेबसाइट एंड वील लॉग इन. लॉग इन करते ही आपके पास लेफ्ट पे एक मीडिया लाइब्रेरी की ऑप्शन आएगी, आप उसको देख सकते हैं, या आप करंट इमेज को एडिट कर सकते हैं, या आप किसी नए इमेज को भी एडिट कर सकते हैं. क्योंकि मैंने ये इमेज अभी रिसेंटली डाला था इस्लामाबाद का, एंड आई रियली लव दिस इमेज. तो आई कैन जस्ट एडिट डिफरेंट पोर्शंस ऑफ इट. आई कैन एडिट द टाइटल. इसका टाइटल पाकिस्तानी होना चाहिए, इसका टाइटल होना चाहिए इस्लामाबाद, इसका कैप्शन होना चाहिए इस्लामाबाद ब्लू एरिया, और इसी तरह कोई डिस्क्रिप्शन या ऑल्ट टेक्स्ट आप ऐड करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं. But most importantly, you can edit this image live here. I'll click on edit image and I can crop this image if I want to. Agar main isko select karunga iska ye part, to ye crop ho jayega. Agar main isko flip karna cha raha hu to main isko wo bhi kar sakta hu. Agar main isko kisi aur tarike se change karna cha raha hu to main wo bhi kar sakta hu. So these are a few ways in which you can edit that image. अब आप देखें उसका कैसा इमेज चेंज हो गया है. एंड आई कैन ऑल्सो मेक दिस इमेज स्मॉलर. आई कैन क्लिक ऑन स्केल टू मेक दिस इमेज स्मॉलर. तो आप देखें चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज हो गई हैं. तो दिस इज़ हाउ यू कैन एडिट एन इमेज. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक और चीज़ जो जहन में आपने याद रखनी है कि हर फाइल फोल्डर के लिहाज से अपलोड होती है. सो जो भी फोल्डर उसमें करंटली मंथ के लिहाज से एग्जिस्ट कर रहा होगा, जिस तरह सारी फाइल्स अक्टूबर में अपलोड हो रही हैं क्योंकि अक्टूबर का मंथ है. सो कीप दिस इन माइंड कि
folders are made based on month. And we will try a plugin called Enhanced Media Library, जिससे हम देखेंगे कि WordPress कैसे इस मीडिया लाइब्रेरी को थोड़ा सा एनहांस कर देता है. हम प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करते ही वी विल गो बैक टू द मीडिया लाइब्रेरी एंड वी विल सी कि इसमें क्या एनहांसमेंट्स आई हैं. सो आप देख रहे हैं कि मीडिया लाइब्रेरी का थोड़ा सा फॉर्मेट अब चेंज हो गया एंड दिस इज व्हाट दिस प्लगइन एक्चुअली डज. इट आल्सो लेट्स यू ऐड कैटेगरीज टू मीडिया which otherwise in WordPress is not available. तो ये आपको categories add करने में भी इसकी option देता है. You can add more details as well. Categories में जाके आप इसकी नई categories बना सकते हैं. और भी बहुत features हैं, enhancements हैं जो आप इससे explore कर सकते हैं. एक और plugin जो मैंने अभी install किया है लेकिन उसको मैंने activate नहीं किया हुआ, it's called Media Library Assistant. इसको activate करके आप नई तरह की फाइल्स जो वैसे वर्डप्रेस अलाउ नहीं करता उसको अपलोड कर सकते हैं. एंड अब आप देख रहे हैं कि आपके पास नई फाइल टाइप्स आ गई हैं. सो वील गो टू द मीडिया असिस्टेंट एंड वील सी कि इससे क्या नई फीचर्स ऐड हुई हैं. सो आप देख रहे हैं कि न्यू फीचर्स हैव बीन एडेड टू योर मीडिया नोन एज द मीडिया लाइब्रेरी असिस्टेंट. सो ये कुछ प्लगइन्स हैं विच यू शुड यूज़ टू एनहांस योर मीडिया लाइब्रेरी एक्सपीरियंस एंड बिकम अ पावर यूजर. पावर यूजर बन के ही आप वर्डप्रेस को सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. वेदर यू आर फ्रीलांसर, वेदर यू आर एन एंटरप्रेन्योर और अ स्मार्ट वर्कर,